कल्याण चाहते हैं तो जन्माष्टमी का व्रत जरूर 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 करना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में आता है, धर्मराज सावित्री से कहते हैं कि भारत वर्ष में रहने वाला जो प्राणी श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करता है वह 100 जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। भविष्योत्तर पुराण में लिखा है, श्री कृष्ण भगवान युधिष्ठिर से कह रहे हैं कि 20 करोड़ एकादशी व्रतों के समान अकेला जन्माष्टमी का व्रत है। यही बात शास्त्रों में भगवान ब्रह्मा जी ने भी कहा कि जो जन्माष्टमी का व्रत रखता है उसे करोड़ों एकादशी व्रत करने का पुण्य प्राप्त होता है और उसके रोग शोक दूर हो जाते हैं। वायु पुराण में और कई ग्रंथों में जन्माष्टमी के दिन की महिमा लिखी है। जो जन्माष्टमी की रात्रि को उत्सव के पहले अन्न खाता है, भोजन कर लेता है, वह नराधम है, और जो उपवास करता है, जप ध्यान करके उत्सव मनाकर भगवान के जन्म के बाद खाता है, वह अपने कुल की 21 पीढ़ियां तार लेता है। भविष्य पुराण में आता है, जन्माष्टमी व्रत अकाल मृत्यु को टालने वाला, गर्भपात के कष्टों से बचाने वाला और दुर्भाग्य और कलह को दूर करने वाला होता है। तो इतनी अपार महिमा है जन्माष्टमी के व्रत की, ये बात हम सभी को बताएं और उन्हें भी प्रेरित करें इस व्रत के लिए। जय श्री